हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वंदना। कैसे हो आप सब? केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होंगे और ठीक होंगे। काफ़ी सारे लोग खुश हो जाने वाले हैं क्योंकि उनकी काफ़ी लंबे टाइम से रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ लिप्स को पिंक करने के लिए, बेबी सॉफ्ट करने के लिए और जो डार्क लिप्स है ना उसको लाइटर करने के लिए कुछ हमें बता दीजिए। तो आज मैं यहाँ पर 3 स्टेप का लिप केयर रूटीन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सोचेंगे कि अरे बाप रे, 3 स्टेप का है तो इतना लंबा चौड़ा होगा? नो गाइस, जस्ट 8 या 10 मिनट ही लगेंगे। और ऊपर से इसकी खास बात यह है कि सारी हम चीज़ें यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो घर की ही और किचन की ही होगी और बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आगे मैं आपको जूम करके मेरे लिप्स दिखाऊँ ना, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं नेगेटिव बोलते हैं कि खुद के लिप्स तो इतने काले हैं। तो गाइस, मैंने ये जो 3 स्टेप का लिप केयर रूटीन मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ना, उसे फॉलो करके काफ़ी डिफरेंस मेरे लिप के ऊपर मैंने देखा है। तो ट्रस्ट, अगर आपको करना है तो आप इसे वीक में फॉलो करना, फर्स्ट वीक में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा हम यहाँ पर बड़बड़ नहीं करते हैं, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे और मैं आपको बोर करना नहीं चाहती हूँ। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, लाइक या डिसलाइक YouTube ने दोनों ऑप्शन प्रोवाइड की है, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। Instagram की ID यहाँ पर मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। हमारे जो लिप्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्किन पतली होती है और रीज़न कई सारे होते हैं हमारे लिप्स डार्क पड़ने के। बट डरिए मत, आज मैं आपको यहाँ पर रीज़न नहीं बताऊँगी, आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाली हूँ। रीज़न चाहे जो भी हो, आज आप ये जो सॉल्यूशन है, जो ये जो लिप कह रहे ना, उसको फॉलो कीजिए। डेली 2400 घंटे लिपस्टिक लगाना हर किसी को पसंद नहीं होता है और काफ़ी सारे लोगों को तो लिपस्टिक भी नहीं पसंद होती है। तो ऐसे में आपको अगर प्लम्प सॉफ्ट पिंक लिप्स चाहिए तो आज का वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है स्क्रब। स्क्रब में आपको यहाँ पर ऐसा बताऊंगी गाइस जो आपको एक ही बार बनाना है और आप इसको आराम से 8 या 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जितना शहद यानी हनी ले लीजिए। दूसरी यहाँ पर जो हमें चीज़ डालनी है वो है शुगर, बट आपको डायरेक्टली शुगर नहीं डालनी है। मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि इसको सेमी क्रश कर लूँगी, जिससे क्या होगा कि ये हमारी लिप्स की जो स्किन है ना उसको डैमेज भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने सेमी क्रश करने के बाद 1/2 टेबल स्पून जितनी यहाँ पर शुगर ले ली है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो मार्केट में आपको लिप स्क्रब मिलते हैं ना, उसी तरीके का आपका लिप स्क्रब तैयार हो जाएगा। आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके इसको आप वीक के लिए रख सकते हो। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्क्रब लेकर आपके लिप्स की ऊपरी परत पर आप राउंड राउंड करके मसाज कीजिए। इससे हमारे होठों की ऊपरी परत पर जो डेड स्किन होती है, डार्क स्किन होती है, वो निकालना आसान हो जाएगा, सारी निकल भी जाएगी। हनी से हमारी जो लिप्स की स्किन होती है वो हाइड्रेट दिखती है, प्लम्प दिखती है, सॉफ्ट बनती है और शुगर सारी डेड स्किन को निकाल देता है। मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहती हूँ, कई सारी गर्ल्स को होठों को चबाने की आदत होती है, तो वो भी आप मत कीजिए। या तो अगर आपके लिप्स बार बार ड्राई हो रहे हैं ना, तो आप कई बार क्या होता है कि गर्ल्स ऐसा ऐसा करती है, अपनी लिप्स को यू नो गीला करती है, तो वो भी आप मत कीजिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो लिप्स होती है ना और भी ज़्यादा डार्क पड़ने लगते हैं। 1 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आप अच्छे से आपके लिप्स को साफ कर लीजिए। सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर जो स्टेप बता रही हूँ ये लिप पैक है, बहुत ही अच्छा लिप पैक है। उसके लिए सबसे पहले हमें छोटी साइज़ का आलू हमें चाहिए, उसके आप पील निकाल लीजिए, उसके छिलके निकाल लीजिए, फिर से आप अच्छे से उसको धो लीजिए। अब कई सारी गर्ल्स मुझे पूछते हैं कि आप आलू का जूस कैसे निकालती हो, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सिंपल, मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके कद्दू क्रश कर लेती हूँ। कद्दू क्रश करने के बाद ये जो हो गया ना उसको साइड में रख दें। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिप पैक बनाने के लिए 1 टेबल स्पून जितना बेसन चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पर हल्दी मिलानी है, 1/2 टेबल स्पून जितनी आप हल्दी मिला लीजिए, किचन की भी हल्दी चलेगी। और तीसरा, यहाँ पर जो हमने कद्दू क्रश किया हुआ आलू था ना, उसको निचोड़कर इसका जूस निकाल लीजिए, क्योंकि आलू जो होता है ना उसमें नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी कोई भी स्किन हो, चाहे फेस की स्किन हो या लिप की स्किन हो ना, उसको ब्लीच करके, नेचुरली ब्लीच करके हमारी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करती है। ये पैक आप पूरे लिप के ऊपर लगा लीजिए, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी,
साथ ही साथ जो सूखी सूखी स्किन हो जाती है या तो पपड़ी वाली स्किन हो जाती है उसको निकाल कर फिर से एक आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगी। ये पैक भी आप 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला पैक है। अच्छी तरीके से थोड़ी थिक लेयर में इसको लगाइए, लगाने के बाद आप इसको 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद आप पानी से धो लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने सेकेंड स्टेप भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तीसरा यहाँ पर जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको क्या करना है कि ग्लिसरीन लेना है। यस, आपने सही सुना, ग्लिसरीन हमारी जो स्किन होती है चाहे फेस की स्किन हो चाहे लिप की स्किन हो अच्छे से उसको हाइड्रेट करने के साथ साथ लंबे टाइम तक हाइड्रेट रखता है, नरिश रखता है। मॉनसून की सीज़न हो चाहे विंटर की सीज़न हो हमारी जो लिप की स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील होने लगती है। ऐसे में अगर आप एक बूंद ग्लिसरीन की आपके लिप के ऊपर अच्छे से मसाज करके लगाओगे तो लॉन्ग टाइम तक आपके लिप्स अच्छी तरीके से हाइड्रेट रहेंगे। काफ़ी सारे आप लिप बाम मार्केट में परचेज करने जाते हो उसमें भी ग्लिसरीन होता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो लिप्स को पिंक करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए और सारी डेड स्किन को निकालने के लिए। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे टैग ज़रूर कीजिए या तो फोटो वहाँ पर मुझे आप सेंड कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, सी यू एंड लव यू ऑल।